बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि अनाज के एक दाने से नसीब बदल सकता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मेहनती हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इन्हें वो कामयाबी नहीं मिल पाती जिसके वो हकदार हैं, और ना ही जहनी सुकून मैसर आता है जिसकी वजह से इन्हें हमेशा अपने नसीब से शिकवा रहता है, और ये सोच उन पर हावी रहती है कि वो ऐसा क्या करें जिससे इनका नसीब बदल जाए। हमारी आज की ये वीडियो इसी मौजू पर है कि ऐसे लोग अपने नसीब को कैसे बदल सकते हैं। मगर इससे पहले हम आपको बताते चलें कि इस चैनल पर हम वज़ाइफ, दुआ और तावीज़ात की वीडियोस भी अपलोड करते रहते हैं। अगर आपका कोई रूहानी मसला हो जिसका आपको हल ना मिलता हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर रब्ता करें। नाज़रीन, अगर दिन रात की मेहनत के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिल रही और ना ही ज़हनी सुकून मिलता है, तो ऐसे इंसान को चाहिए कि अपने हर दिन का आगाज़ अल्लाह की मखलूक में से किसी ना किसी को कुछ खिला के करे। लेकिन बाज़ लोगों की सोच ये होती है कि इनमें इतनी वसत नहीं कि वो हर रोज़ किसी को कुछ ना कुछ खिला सकें, तो इन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसान के हालात जैसे भी हों इसमें इतनी वसत ज़रूर होती है कि वो अपने घर से अनाज का एक दाना तो निकाल ही सकता है। अगर इंसान अपने दिन की ग़िज़ा में से एक दाना निकाल कर अल्लाह की किसी मखलूक को खिला दे, फिर वो कोई परिंदा हो या कोई कीड़ा मकोड़ा या जानवर, तो इसकी दुआ से उस इंसान के बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे, तरक्की उसका मुकद्दर बन जाएगी और उसे ज़हनी सुकून मिलेगा। लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी है कि वो इंसान ये काम हर दिन खलूस नियत और अल्लाह पाक को याद करके करे, तो इस इंसान के रिस्क में बरकत आएगी, क्योंकि अल्लाह पाक अपनी हर मखलूक से मोहब्बत करता है। तो जब कोई इंसान अपने हिस्से के रिस्क में से अल्लाह पाक की मखलूक को खिलाता है तो अल्लाह पाक उस इंसान से खुश हो जाता है और उसे मालामाल कर देता है। नाज़रीन, ये थी हमारी मुख्तसर सी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप अपनी शख्सियत को मज़ीद अपडेट करना चाहते हैं या ये ख्वाहिश रखते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त और तारीफ़ करें और सब अच्छे लफ्ज़ों से याद करें, तो वो राबता करके अपने नाम का इस्म आज़म और वज़ाइफ़ भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह लोग अच्छे लफ्ज़ों से याद करेंगे और हर जगह इज़्ज़त मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।